रायपुर दक्षिण से भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ गुरुवार देर रात झूमाझटकी हो गई। इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बृजमोहन पर हमला कौन करेगा, उन्होंने तो मोदी को छिपने पर मजबूर कर दिया था। कांग्रेसियों को गुंडा कहा जाने पर कहा कि बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन को अपनी हार नजर आ रही है, ये हार की बौखलाहट है। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कुछ युवकों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद बृजमोहन अग्रवाल समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर हमले की निंदा करते हुए कांग्रेस पर वार किया। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें, तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे तो हो टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, वो बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बृजमोहन अग्रवाल को साफ साफ इस समय रायपुर दक्षिण से हार दिख रहा है और ये हार का बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती करे, अपनी हार की बौखलाहट से वो कांग्रेस पर ठिकरा पोड़ना चाह रहे हैं। एक लड़के ने मेरी कालत पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं पीछे हट गया। मेरे PSO जो है वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथ पाड़ा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ, मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।